जय हिंद। पाक मीडिया की नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए कृपया डीके यादव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब यूनाइटेड नेशंस में ये कोई नया, सच्ची बात बताऊं, मैं हिल गया। वॉक पे किसी ने मुझे, मैं टीवी नहीं देखता, सेल फोन में रखता ही नहीं, मेरे पास सेल फोन नहीं है ना, मुझे ऑपरेट करना आता है, किसी ने मुझे दिखाया। बड़ी खूबसूरत बिगनिंग की शहबाज शरीफ साहब, उसके फौरन बाद थूक लगा। मैं फिर वो थूक लगा लगा के सफों को पलट रहे थे। ये पाकिस्तान में ट्रेंड भी कर रहा है कि आप सफहात के ऊपर थूक लगा लगा के पलट रहे हैं, तो आप वजीर आजम पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान में तो लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने पूरी कौम को थूक लगा दी है। मैं ये अल्फाज नहीं कहना चाहता था, मैं आपको बताऊं, इसलिए कि ये पांच चार कॉलम लिख चुका हूं। मैंने बड़े बड़े इस मुल्क के जय्यद हुक्मरानों को दिखाई है हरकत करते हुए, या कोई शर्म है या नहीं। ये अब मैं आप ये मेरी मेज पे पढ़ा है, देख रहे हैं जी जी बिल्कुल। ये क्या है? ये किताब का सफा उलटने के लिए है, बिल्कुल ऐसी। ये स्पॉन्ज है, इसमें पानी लगता है। अच्छा। स्पॉन्ज जिनको इतनी तमीज नहीं, जो अच्छे पढ़े लिखे घरानों में बचपन में सिखा दी जाती है, तो वो जिनके पले है ही कुछ नहीं, उनसे आपने एक्सपेक्ट करना। अच्छा, दूसरी तरफ वहां में माशाल्लाह, बिल्कुल सही। वो वैसे बुत परस्ती छोड़ी शख्सियत परस्ती शुरू कर दी, मियां दे नारे बजन के पुट्टो जिंदा है जिंदा है। वो पता ही नहीं तुम्हें पुट्टो ने क्या किया। भुट्टो वॉज डेफिनेटली अ जेन्युइन थे, तो मुंह में च्युइंगम थी। जब उठ के गए, किसी ने कहा नहीं उन्हें कि यार आप ये च्युइंगम लेके जा रहे हैं, इसको यहाँ पे छोड़ दें। अब जब गए वहाँ पर तकरीर करने लगे, तो एहसास हुआ कि च्युइंगम है मेरे मुँह में। तो उन्होंने मुंह से निकाल के वो जो डाइस है, जो पोडियम है, उसके साथ उसको चिपकाया। अब मासूफ को ये नहीं पता था कि कैमरे हर तरफ से लगे हुए हैं। बहुत पाकिस्तान की, मैं कहूँगा इस पर, वो जो ब्रैकेट्स में कहते हैं फिर इज्जत अफजाई हुई, लोगों ने बहुत बुरा भला कहा। अब जनाब ये किबला शहबाज शरीफ साहब ये वज़ीर आज़म बने और ये वहाँ पर गए तकरीर करने के लिए, तो पेजेस थे बहुत ज़्यादा जो जिन पर तकरीर लिखी हुई थी, क्योंकि पर्चियों के बगैर तो तकरीर कर नहीं सकते। चलें बंदा एक कागज़ पर नोट्स लिख के चला जाए और सब पता हो, नहीं ऐसा तो है नहीं, ना इतनी काबिलियत है, ना इतना विजन है, ना इतनी विजडम है, ना ही पता है कि बात क्या करनी है, क्योंकि किसी प्रोसेस के नतीजे में तो आए नहीं है। तो वहाँ पर अब सफ़े पलट रहे हैं तू थूक लगा के, ये तो ये अब आसिफ जरदारी के बाद पहले दुनिया के वज़ीर आज़म बन गए हैं जो थूक लगाता है सफ़ों को पलटने पर थूक लगाता है। वैसे तरफ आपका दूसरा जो एंड है उस पर है पॉपुलेशन मैनेजमेंट। 24 करोड़ पे पहुंच गए हो, को हया को शर्म करो। वो हमारे दोस्त हैं शुएब मंसूर, उनकी फिल्म का वो जुमला है ना, पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते, ऐसा ऐसा घटिया आर्ग्यूमेंट देते हैं ये। और मैं इनको कहता हूँ, मेरी बहुत सारे दोस्तों से जो रिलीजियस किस्म का उनका है चलचला, वो मैं कहता हूँ यार तुम्हें कोई शर्म नहीं आती कि ये मुझे बताओ कि अगर अगर खाने में और इबादत करने में भी इतदाल का हुक्म है, मियाना अरबी और इतदाल तो हमारी पहचान है बतौर मुसलमान, यह होनी चाहिए। वो बच्चे बढ़ाते हुए तुम सोचते नहीं ये क्या पैदा कर रहे हो तुम? सही, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक। लॉजिक क्या देते हैं सुने जरा, औकात ज़ेनी, ज़ेनी औकात। खजू एक मुंह होता है, अल्लाह ने एक मुंह दिया है लेकिन दो हाथ दिए हैं। वो बंदा पूछे बेड़ा करके तेरा, ये दो हाथ आजकल लाखों रुपया मांगते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई शायद डिलीवर करने के लिए, अदरवाइज दोनों हाथों से भीख ही मांगोगे, बिल्कुल नहीं समझ में आती बात, बिल्कुल ठीक कह रहे। इनको तो आज तक बुनियादी इश्यूज का ही नहीं पता, या ये सब समझते हैं और कुन्ने हैं, मीसने हैं, यमले जाटने हैं। इनका फ्लूक लगा हुआ, ये पाकिस्तान नहीं, ये लॉटरी है। सही, जो दिन में तीन बार निकलती है। अभी ये जो क्या होता है, ये मोटरवे वगैरह पे या कोई इस तरह के पता नहीं, टोल टैक्स या जी, टोल प्लाजा मुस्तस्ना करार दिया, जी जी
पार्लियामेंटेरियंस को, पार्लियामेंटेरियंस को। हाँ जी बिल्कुल, हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि क्या औकात है। उनको खुद चाहिए था कहना कि यार शर्म करो, वी कैन अफोर्ड इट यार, को मर नहीं गए, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, इनको कौन से सुर्ख आपके पर लगते हैं। यानी अंदाजा लगाओ जिन लोगों को ये अब्यूज करते हैं, जिनके ऊपर ये हुक्मरानी करते हैं, उन्हीं के वोटों की भीख से आए होते हैं ये बात लोगों को समझ ही नहीं आ रही। वो मियां दे नारे बजेंगे, मियां कौन है भाई? सही, फॉर विक्ट्री। इन चबलों में से किसी एक को पता नहीं है कि इनका बैकग्राउंड क्या है, वरना कभी ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल ना हो। लॉन्ग मार्च, माओ ने कितना बंदा मरा, कितना भयानक वो मार्च था, कितने छुरू हुए थे और जिंदा कितने पहुंचे मंजिल पे, तो खुदा का खौफ करें। ये तोंदे छोड़ के लॉन्ग मार्च, इस तरह होते हैं लॉन्ग मार्च, शहरों में होते हैं लॉन्ग मार्च की कभी तारीख उठा के देखें, उनकी शक्लों से नफरत हो जाए जो यहाँ के ये अभी चहल कदमी को लॉन्ग मार्च कहते हैं। नंबर वन, वी फॉर विक्ट्री, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये चर्चिल जैसे बंदे का, इनकी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां, ये चोर चकार अदालतों से बाहर निकलते वक्त और जाते वक्त वी फॉर विक्ट्री, बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम है। दो ही चीजें होती हैं, देखें आप कोई काम करें या मैं करूं, हमारी नीयत और अहलियत, दो चीजें मैटर करेंगी बुनियादी तौर पर। सही कह रहे हैं। वो जो रब्बुल आलमीन का जो हुक्म है ना कुरान पाक में, कि जितना इंसान ने सही की, तो व्हाट इज सही? आपकी कोई डायरेक्शन हो, आपका कोई फोकस हो, आपकी नीयत सही हो, आपकी आपके आप, आप, आप आपके पास अहलियत हो उस काम की जो आप कर रहे हो, तो ये तो कंगले लोग हैं। मैंने तो चंद जहनी तौर पर कंगले, जहनी तौर पर कंगाल, मैंने चंद रोज पहले कहा है कि पाकिस्तान की सारी पोलिटिकल एलीट, सारी, इनसे पहले सिविल सर्विस का इम्तिहान लें, शायद दो चार बंदे को शायद, शायद सही कह रहे हैं, उनको निकालें। हमारा ऑफिस जो वज़ीर आज़म का है, बड़ा काबिल एहतराम ऑफिस है, और उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो पूरी कौम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जिस अंदाज में इन्होंने रिप्रेजेंटेशन की है वो पाकिस्तान के साथ कोई इंसाफ इंसाफ नहीं किया इन्होंने, और जिन लोगों ने भी इनको बिठाया, जवाब दें हैं, वो कौम को भी जवाब दें हैं और अल्लाह को भी जवाब देना पड़ेगा कि ये इस 22 करोड़ की बाग़ैरत कौम पर हमने किस किस्म के लोग हमने यहाँ पर बिठा दिए। बहरहाल इमरान खान साहब ने जब तकरीर की थी अक़वामे मुत्तहिदा में, तो बहुत पूरा एतमाद थे और वो आंखों में आंखें डाल के लोगों की बात कर रहे थे, वो अग्रेशन भी शो कर रहे थे, लोगों को कायल करने की कोशिश भी कर रहे थे, मिसालें एग्जाम्पल्स भी वो कोट कर रहे थे और फैक्ट्स एंड फिगर्स भी वो बता रहे थे। उनकी तकरीर खासी लंबी थी और उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कवर की थी। शहबाज शरीफ की तकरीर में हमें एतमाद की कमी दिखाई दी, यानी हमें सबको ही कुछ कन्फ्यूज़ लगे, वो कभी वो पीछे मुड़ के देखते थे, कभी दाएँ बाएँ देखते थे, कभी चोरी चोरी सामने झाँकते थे जैसे चोरी चोरी कोई नज़रों में झाँक रहा होता है। तो इस तरह शहबाज शरीफ साहब थोड़े से परेशान लग रहे थे। ये तो मैनर्स की बात है, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इस लेवल के ऊपर। फिर इमरान खान साहब ने जो भारत ने 5 अगस्त पे इकदाम उठाए थे उनके ऊपर बड़ी शद और मत के साथ बात की थी, कश्मीर पे ज़रूर बात की शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन जो 5 अगस्त में भारत ने इकदाम उठा के कश्मीरियों की एक अलग हैसियत ख़त्म कर दी थी, उस पर एहतजाज इमरान खान साहब कर रहे थे, उस पर एहतजाज शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किया है। एक फर्क यह है। फिर आपको याद है इमरान खान साहब के दौर में सब कहते थे कि इमरान खान ने 15 मार्च को अक़वामे मुत्तहिदा जो एक दिन मनाता है इस्लामोफोबिया के खिलाफ, हम सब आपको रिपोर्ट करते थे ये पाकिस्तान की वजह से है, और पाकिस्तान में ये इमरान खान की वजह से है, क्योंकि इमरान खान ने आलमी मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने इस मामले को उठाया था कि इस्लामोफोबिया जो है उसका तदारुक किया जाए, मुसलमानों से नफरत को ख़त्म किया जाए। दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने जिस तरह से यूएन में अपना भाषण दिया, उसके दौरान थूक लगा लगा कर पर्चे पलट रहे थे, जिससे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने जमकर शहबाज शरीफ की खिल्ली उड़ाई है। हसन निसार ने भी पाकिस्तानी पीएम को नसीहत दी है कि कुछ तो शर्म करो जाहिलो, इस तरह से थूक लगा लगा कर पन्नों को पलट रहे हो। दूसरी तरफ हसन निसार ने यह भी कहा है, यदि आपने
मुल्क की पॉपुलेशन को मैनेजमेंट नहीं किया तो आप दोनों हाथों से हमेशा की तरह भीख मांगते रहोगे, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी अब 24 से 25 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। इसलिए पाकिस्तान में आबादी को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि मुसलमान अधिकतर यही कहते हैं कि सब काम अल्लाह करेगा, लेकिन हसन निसार ने यह भी कहा है कि अल्लाह कब तक खाने को देता रहेगा, अपने हाथ से भी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यदि आबादी नहीं रोकी तो पूरी ज़िंदगी दोनों हाथों से हमेशा के लिए भीख मांगते रहोगे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया से भीख मांग कर ही किया है जो किया, सो अपने हाथों से कुछ नहीं किया है। इसलिए पाकिस्तान को भीख पर पलने की बहुत बड़ी आदत हो चुकी है, पाकिस्तान को हमेशा भीख की लालसा लगी रहती है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद।